सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ओजरी, कि ओजरी किस तरह पकाई जाती है। ये बकरे की ओजरी है, तो इसे हम आज पकाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चले जल्दी से देखते हैं कि ओजरी किस तरह पकाते हैं और इसमें कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं। ये अज्जा हैं जी हमारे पास, जिसके साथ हम आज ओजरी पकाएंगे। ये मेरे पास ओजरी है, इसे मैंने छोटी छोटी बूटी बना ली है। इसका धोने और साफ करने का जो लिंक है वो ऊपर चल रहा होगा, आप उस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं कि इसे धोना किस तरह है और साफ किस तरह करना है। उसके बाद ये 3 से 4 अदद मैंने दरमियाने प्याज ले लिए हैं और उन्हें मैंने काट लिया। चंद हरी मिर्चें हैं जी, एक अदद टमाटर है बड़े साइज का, उसे मैंने चॉप कर लिया। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च का, 0.5 चम्मच नमक का, नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं, मैं कम खाते हैं हम, तो हमने 0.5 चम्मच लिया। हल्दी है 0.5 चम्मच, गरम मसाला 0.5 चम्मच मैंने लिया, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा कम ही डालूंगा क्योंकि ज़्यादा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करते, ये जलन करता है। और साबुत गरम मसाला ये भी 0.5 चम्मच है। सूखा धनिया ये भी 0.5 चम्मच है। अब देखते हैं कि इसे किस तरह और कैसे पकाएंगे। अब जी मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर सबसे पहले ओजरी मैंने सारी डाल दी है। उसके बाद इसके अंदर प्याज, ये प्याज डाल दिए हैं सारे। उसके बाद ये टमाटर डाल दिए। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद सूखा धनिया। उसके बाद साबुत गरम मसाला। उसके बाद ये हल्दी है, सुर्ख मिर्च, नमक। अब ये सारा कुछ डाल लिया। इसके बाद हमने 2 गिलास पानी के, 1 गिलास ये 2 गिलास पानी के हमने डाल दिए हैं। ये डालने के बाद चमचा इसके अंदर फेर कर और इसे मैं बंद करके, प्रेशर कुकर बंद करके रख दूंगा। ये इसके अंदर सारा कुछ अदरक लहसुन ये सारा कुछ हमने डाल दिया और 2 गिलास पानी के डाल दिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाने लगे हैं जी, ढक्कन लगा कर और इसे रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। रख दिया, अब जैसे ये खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं। आधे घंटे के बाद 30 मिनट हो गए हमें जी, अब इसे हम खोल कर देखते हैं। ये देखें जी, पानी इसका बिल्कुल खुशक हो चुका है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1/2 कप के करीब हमने इसके अंदर ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल जी। अब इसे भूनेंगे। अब ये ओजरी के सालन को मैं बड़े बर्तन यानी कढ़ाई में शिफ्ट करने लगा हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। अब इसके अंदर हमने शिफ्ट कर लिया जी इसे, अब इसके अंदर हम भूनेंगे इसे, अब इसके अंदर भूनेंगे ताकि ये ओपनली नज़र आए आपको। सूखी मेथी है जी, जो कसूरी मेथी जिसे हम कहते हैं, ये वो वाली मेथी। अब इसे धोकर अब ओजरी के अंदर हम डालने लगे हैं। अब इसके अंदर हम मेथी डालने लगे हैं जी। मेथी हमने धो ली है, धोने के बाद इसमें डाल रहे हैं। मेथी की मकदार आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। ये सिर्फ खुशबू के लिए है इसलिए डालते हैं। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये घी
साइड पर छोड़ना दे। बाकी बदबू वगैरह हर चीज़ इसमें ख़त्म हो चुकी है, बूटी भी इसकी गल चुकी है। अब इसे भूनना है हमने तब तक जब तक इसका घी ना निकल जाए, उसके बाद इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम दही डालने लगे हैं। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। दही तकरीबन आधा कप है, या आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन इसे आपने फेंट अच्छे तरीके से लेना ताकि इसमें फुटकरियाँ ना बने। अब ये दही इसके अंदर शामिल कर दिए जी। और दही शामिल करने के बाद इसे मैं ढक्कन देकर रख दूंगा, ऊपर इसके ढक्कन दे दूंगा ज़रा 5 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगा 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देखेंगे। ये देखें कैसा ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये हो चुका है। अब इसके अंदर ये चॉप की थी हमने हरी मिर्च, ये इसके ऊपर डाल दी है। ये देखें जी, ये हमारी ओजरी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है, ज़बरदस्त है जी। कोई इसमें पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ले मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।